नमस्ते, मैं हूं निष्ठा और मैं उम्मीद करती हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। डे 17 ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक ऐसी चीज की जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, बिकॉज जब भी हम रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या फिर हम जब भी कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं मैनिफेस्ट करने की कुछ ना कुछ, हम अक्सर इस एक चीज को ना भूल जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं अच्छे से, बट फिर बीच में हम प्रोसेस में जैसे ही आते हैं ना किसी भी टेक्निक के, तो हम इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। हम ये भूल जाते हैं कि वो एक पॉइंट जो किसी भी टेक्निक का, किसी भी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने का, कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और हम उसे ही भूल जाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने इमोशनल एनर्जी की। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसे ऐसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एनर्जी इन मोशन। सो इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। तो जब आप अपने सारे इमोशंस की एनर्जी को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हो, उसका जो एक जो वो जो पावर होती है ना, वो बहुत अलग होती है। डिजायर भी जो हमारे अंदर आती है, वो डिजायर भी एक एनर्जी है, वो डिजायर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। तो वो डिजायर भी आपके अंदर इसीलिए डाली गई है बिकॉज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरेलल रियलिटी में हो रहा है या हो चुका है। इसीलिए आपको इस फिजिकल रियलिटी में, इस थ्री डायमेंशन, इस थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में आपको वो चीज एक डिजायर के रूप में आती है। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस की जो पावर है ना, उसे यूज करना है किसी भी चीज में। आप कोई टेक्निक मत करो। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं, यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कि हमने हमने ये वाली टेक्निक की, लेट्स से 555 किया या 369 किया, बड़ी सारी टेक्निक्स हमने ये सब किया, बट यू नो वर्कआउट नहीं किया। वर्कआउट इसलिए नहीं किया, पहली बात तो ये कि ये ना कोड्स हैं, ये यूनिवर्सल कोड्स हैं। 369 का टेस्ला, निकोला टेस्ला का कोड है, ये यूनिवर्सल है। 555 कोड है, ठीक है, ये एंजल नंबर्स हैं, ये कोड्स हैं, ये आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो पहली चीज कि आप इसको एक टेक्निक मत मानो। आप ये सोचो कि अच्छा, अगर आपको 5 दिन कोई चीज लिखनी है, तो यूजुअली क्या होता है कि आप पहले एक दिन, दूसरे दिन बहुत इमोशन के साथ लिखते हो, तीसरे दिन तक ना बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है कि अरे अब 55 टाइम्स लिखना है, ओके अब हमें इतना टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो लोग, स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं या जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये सब चीजें। तो अब आपको करना क्या है, आपको, आप कोई टेक्निक मत करो। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, अगर आपको लग रहा है कि यू नो इतना ज्यादा 100% नहीं हो पाता, आप कोई टेक्निक मत करो, बट आप अपने इमोशंस की पावर को यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप पौधों में पानी डाल रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग योर गार्डनिंग, आप पौधों में पानी डाल रहे हो, तो पानी डालते हो आप बस विजुलाइज कर लो, आप अपनी उस चीज को अफर्म कर दो। आप वॉक पे गए हो, जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बस टू योर एफर्मेशन आप उस चीज को अपने अंदर रीअफर्म कर लो, उसको एक बार विजुअलाइज कर लो, एंड दैट्स इट। पॉइंट हर एक चीज का ये है कि आपको अपनी इमोशंस की पावर को यूज करना है। वो जो आप 55 टाइम्स भी जो आप लिख रहे हो, आप उन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना भी टाइम आपको लगता है, आप उस टाइम पे बस वहां पर फोकस्ड, जो आपके इमोशंस वहां पर फोकस्ड हैं। और अगर वो चीज नहीं आपके साथ हो रही है, देन दैट सिंपली मींस कि आप, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट टेक्निक। तो टेक्निक्स से ज्यादा, मैं, अगर मुझसे कोई पूछता है कि यू नो वी वांट टू मैनिफेस्ट दिस और हमें ये करना, तो मेरे लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप कोई भी टेक्निक मत करो, बट आप अपने इमोशंस की पावर को, आप अपने इमोशनल एनर्जी को अच्छे से यूज करना सीख जाओ। ठीक है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। अगर आपने वो सीख लिया, तो आपकी सब मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली हो जाएंगी, राइट? तो आप कुछ भी काम कर रहे हो थ्रू आउट योर डे, अगर आप अपने दिन में 2 मिनट, आप, लेट्स से आप मेट्रो में हो, ठीक है, आपके है 10-15 मिनट, है 1 घंटा है आपके पास मेट्रो में ट्रेवल करते हुए, एंड आप उसमें से 5 मिनट भी, 5 मिनट क्या, अगर आपने 2 मिनट भी, 1 मिनट भी अगर आपने कुछ विजुअलाइज कर लिया, और आपने वो एक बार बहुत ही फुल अपनी दिन की जो आपकी इमोशनल एनर्जी है उस डिजायर में डाल दी, एंड देन यू लेट इट गो, उसको लेट गो कर दो, एंड देन गो विद योर डे नॉर्मली, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुली आपके लिए काम करते हैं, रादर देन कि आप कोई भी टेक्निक करो और फिर उसको जस्ट एक मैकेनिकल वे में पूरा करो। सो आज डे 17 पे मैं आपको बस ये एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा पावरफुल इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके इमोशंस हैं।
कोई टेक्निक आपके इमोशंस के बिना अधूरी है, तो आप बस अपने इमोशंस पे फोकस करो। और अगर आपके इमोशंस को आपने, अगर आपने अपनी इमोशनल एनर्जी को अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप किसी भी तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हो। राइट, सो ये थी आज की वीडियो, मैं आपको मिलूंगी कल। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।